Hello everyone, this is your Honey Ma'am and I am back with my new concept of trigonometric table, and today we are going to explain the trigonometric table and the question based on it. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे लर्न करें, लर्न नहीं होता है मैम, हम लोग इसको लर्न मतलब लिख लिख के लर्न कर लें क्या? लेकिन मैं आपको जो आज ट्रिक बताऊंगी वो बहुत ही बेनिफिशियल होगी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो ये मानते हैं कि मैथ्स को रटा नहीं जाता, किया जाता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा चैप्टर है क्लास 10th, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्लास 10th बेस्ड होता है, कैरियर बेस्ड हमारा सर्टिफिकेट होता है, फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ द कैरियर, तो उस पर तो अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाया जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक रेशियोज आर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा. ठीक, अब टेन थीटा का मतलब ही होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. इस पर हम लोग एक और वीडियो बनाए हैं, एक और बनाएंगे, उसकी भी आप बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए रेडी रहिएगा, बिल्कुल एनर्जेटिक रहिएगा, बिल्कुल बोर होने की जरूरत नहीं है आपको. लेट्स स्टार्ट विद द डिग्रीज. 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. ठीक है, ऑल दिस डिग्रीज आर just divided in the graph which will be divided into the quadrants. Quadrants को divide है वो, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, 4 से divide करते हैं. ठीक है, हम 4 से divide कर रहे हैं और देखिए हमने numbers कहाँ से लिए हैं. Start की हमने 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 and last 4/4. जो भी आपको मेहनत लग रही है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करने के लिए लग रही है. इसके बाद साइन की जैसे ही वैल्यू आ जाती है आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ इजीली दिमाग में आ जाएगा आपके. लेट्स स्टार्ट. 0/4 जीरो होता है और जीरो का रूट जीरो होता है. ठीक, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2 होता है. तो साइन 30 degree 1/2, साइन 0 degree 0. आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ. ठीक, देखिए आप कितनी इजीली बनेगा अभी पूरा. साइन 45 degree की वैल्यू निकालने वाले हैं हम. 2 1 2 2 4. 1 का रूट 1 होता है, 2 का रूट रूट 2 ही रह जाएगा आपका, बहुत बेसिक नॉलेज है ये. 3 का रूट 3 ही होता है, रूट 3, और 4 का रूट 2 हो जाता है. ये आपकी वैल्यू आ गई. मैं देखो मैं कहीं पर भी लर्न करने के लिए नहीं बता रही हूँ, सब कुछ मैं सॉल्व कर रही हूँ. 4/4 1 होता है और 1 का रूट 1 ही होता है. तो साइन 0 degree 0, साइन 30 degree 1/2, साइन 45 degree 1/√2, साइन 60 degree रूट 3/2 एंड साइन 90 degree क्या हुआ आपका, 1. ये देखो आप यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0 to 1. ठीक है, तो साइन की सारी वैल्यू 0 to 1 इंक्रीज होती है, साइन की सारी वैल्यू इंक्रीज वे में जाती है ऑर्डर में, और कॉस की डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ कॉस डिक्रीजेस. मतलब ये जो हमने ऊपर से नीचे है, अभी पूरा नीचे से ऊपर. ठीक है, नीचे फर्स्ट वैल्यू, देन रूट 3/2 है आपकी नेक्स्ट वैल्यू, देन इट विल बी इन दिस वे ओनली, फिर 1/2 आपका नीचे आ गया, आप कुछ नहीं कर रहे हो और ये जीरो आ गया. ठीक, तो कॉस थीटा की सारी वैल्यूज रेडी बिना किसी मेहनत के. जो आपने किया वो सब कुछ किसके लिए किया, साइन के लिए किया. अब आते हैं टेन के पास. 10 means sine upon cos. Sine 0 upon cos 0. दोनों को divide किया, answer आया 0. ठीक, then 1/2 divided by root 3/2. 2 cancels denominators and the value will be 1/√3. ठीक, again 1/√2 upon 1/√2 will give you 1 only. Same values cancel out and gives 1. रूट 3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसल विल गिव यू रूट 3 ओनली, एंड 1/0 इज ऑलवेज इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड और जीरो. तो जनरली हम लोग क्लास 10th के बेसिस पे हैं तो 0 ही लेते हैं. इसकी वैल्यू 10, 9 की वैल्यू
जीरो ही ले लिया जाता है। ये तो हो गया आपका कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। इसके जस्ट जो हमारे दूसरे रेशियो से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो इसके रेसिप्रोकल से साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, इनकी वैल्यूज भी जस्ट ऐसे ही रेसिप्रोकल हो जाएंगी। उसके लिए भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने जस्ट फर्स्ट में जो मेहनत की है ना, जितने भी हार्ड वर्क किए वो पूरा टेबल पूरा उसी में बेस्ड है। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना है कि हाउ टू स्टार्ट दिस टेबल। Now let's do the question on it. आपको वैल्यूज निकालनी आ गई है तो वैल्यूज रखनी भी आनी चाहिए, वो करते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, let's start. साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या है आपका 1/2, रख दीजिए आप यहाँ पे 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री, टेन के पास 45 डिग्री में क्या है 1 की वैल्यू, रख दीजिए यहाँ पे 1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 रख लीजिए स्टार्ट में, क्योंकि आपको पता है व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम वी हैव टू टेक मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई और वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। सो हम अपने माइंड में वही कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ेंगे। कोसेक 60 डिग्री मीन साइन 60 डिग्री अगर रूट 3/2 है तो कोसेक होगा 2/√3, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो उसकी वैल्यूज का भी रेसिप्रोकल किया जाएगा। तो ये हो गया आपका 2/√3 होल अपॉन sec 30, cos 30 इज √3/2, तो sec 30 विल बी 2/√3 प्लस cos 60, cos 60 इज 1/2 प्लस cot 45, tan 45 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक, नाउ टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, यू विल गेट 2/√3 का डिनोमिनेटर 2√3 ही होता है। यहाँ पे आपका चले जाएगा √3, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका 1 से ही 2 × √3, 2√3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस √3 कैंसिल, 2 × 2 = 4। ठीक है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल, बट इफ यू वांट द एक्सप्लेनेशन इन डिटेल कि हाउ दिस कैन बी हैपन, प्लीज आप मेरा क्लास 7 के लिए जो मैं वीडियो डालूंगी, क्लास 6 के लिए जब हम डिनोमिनेटर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं, वो आप मस्ट वॉच दैट। ठीक है, बिकॉज ये ही तो बेसिक है। ठीक, √3 × 2 × 1 अगेन 2√3 इज द डिनोमिनेटर, 2 × 2 = 4, देन √3 प्लस 2√3। ठीक, डिनोमिनेटर्स कैंसल, हियर यू विल गेट ये 1√3 है, 1√3 मीन्स 1√3, जैसे x प्लस 2x 3x हो सकता है, वैसे √3 प्लस 2√3 3√3 हो सकता है। ठीक है, तो 1√3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4, फिर यहां पे 4 प्लस 3√3। ठीक, अगर आपको यहां तक आंसर समझ में आता है कि यहां तक सॉल्व करना है, यू जस्ट गो फॉर इट। अगर आपको और आगे सॉल्व करना है, देन यू कैन टेक द रैशनलाइजेशन फॉर इट। ठीक है, एंड रैशनलाइजेशन टॉपिक हमने क्लास 9th में पढ़ा है, हमने क्लास 9th में पढ़ा है, तो वो आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा रिकॉल करना है कि रैशनलाइजेशन होता कैसे है। तो ये आपका आंसर आप चेक कर लीजिए, इसके अलावा भी आगे जाना है तो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के लिए हम लोग यहाँ पे सेम नंबर्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं विद द अपोजिट साइन। डिनोमिनेटर आप देखेंगे कि क्या है, 3√3 प्लस 4 है, आपको माइनस 4 लेना है, यहाँ पे भी 3√3 माइनस 4। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 मीन्स 3√3 माइनस 4 का ये स्क्वायर है, और नीचे आपके पास 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये कैसे आता है, कैसे आएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, आइडेंटिटी हमारी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हियर योर ए इज 3√3 एंड योर बी इज 4। Whenever you will get a plus b and a minus b wala concept, you have to apply this identity a square minus b square. Very basic fundamental algebraic identity है ये, तो ये आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो हो गया, आप स्टार्ट करते हैं। ऊपर है आपके पास कौन सा एक फॉर्मूला,
एक और है आइडेंटिटी आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर, ऊपर आप देख सकते हैं ठीक, जिसमें आपका a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, a माइनस बी होल स्क्वायर विल गिव यू a स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, वेट रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री, तो थ्री का स्क्वायर विल गिव यू नाइन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, चलो थ्री का स्क्वायर नाइन इंटू थ्री माइनस फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, रूट थ्री प्लस सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्सटीन, कितना हुआ भी है यहाँ पे देखिए आप सब, ट्वेंटी सेवन प्लस सिक्सटीन कितना होता है फोर्टी थ्री होता है, फोर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी फोर रूट थ्री अपॉन ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्सटीन कितना होता है नाइन, नाइन होता है इलेवन, यस ठीक। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, कोई भी किसी से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये किसी और के एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, देखिए कोई भी चीज अगर हम कॉमन निकाल सकते थे तो वो डिफरेंट चीज होती है, यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं निकलेगी, कोई नंबर कॉमन नहीं, कोई टर्म कॉमन नहीं निकलेगा, इट मीन्स द आंसर इज फाइनल। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो योर 8.3 8.2 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट वॉज एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 इनटू में है आपके cos 60 डिग्री, आपको जब तक याद ना हो आप जा सकते हो, cos 60 डिग्री 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर होगा क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, प्लस sec 4 इनटू sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री रूट 3/2 ठीक है, cos 30 रूट 3/2 sec 2/√3 ठीक। चलो लेट्स टेक 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री मींस 10 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 10 45 1 होता है और 1 का स्क्वायर विल गिव यू 1 ओनली, sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है sin 30 1/2 होता है, तो sin स्क्वायर 30 डिग्री मींस 1/2 का स्क्वायर, देन प्लस cos 30 डिग्री रूट 3/2 होता है, उसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, आपके क्वेश्चन में जो दी हुई है हमने सिर्फ वैल्यूज रखी है ठीक है। देन 5 into 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 into 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1 ले लो पहले से यार, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 ठीक। गो फॉर द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट स्टेप 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन होल 4 ले लो, इनके डिनोमिनेटर्स में तो कोई चेंजेस ही नहीं है, 1 प्लस 3 ठीक। देन 5/4 एंड 4 16/3 एंड 1/1 यू कैन यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ इट एंड द एलसीएम ऑफ 4 3 एंड 1 विल बी 12 ओनली ठीक है, 3 विल गो टू दिस साइड विल बिकम 5 3 इज 15 प्लस 16 4 इज 64 माइनस 12 अपॉन 4 अपॉन 4 विल बी कैंसिल, सो फाइनली यू हैव ओनली वन डिनोमिनेटर एज 12 ठीक है। तो 15 इंटू 64 कितना होता है 79, पहले ऐड कर लो, एकदम बेसिक रूल्स में समझा रही हूँ मैं, कोई इतनी फास्ट नहीं जा रही हूँ, एक एक स्टूडेंट एक एक स्टेप समझेगा। 79 माइनस 12 कितना होता है 67 अपॉन 12 इज योर फाइनल आंसर। आपने सिर्फ क्या समझना है सबसे पहले, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते कैसे हैं, रटते कैसे हैं, बिल्कुल नहीं, मैथ्स बनाया जाता है रटा नहीं जाता, प्रैक्टिस मेक्स द माय स्टूडेंट्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स माय स्टूडेंट परफेक्ट, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड बी वेरी वेरी गुड, गेट द वेरी गुड कमांड ऑन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।
Be with me for my next video. Stay tuned. Be healthy. Be safe.